हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल 109, और मैं हूँ आपके साथ प्रखर। तो यार, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये है वो हमारी डिस्प्लेट जो कि आज हम अपनी बाइक में इंस्टॉल कराने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि काफ़ी टाइम आए उसको हम इंस्टॉल कराएँ, टाइम ही नहीं लग रहा था। तो उसको आज फटाफट से करते हैं और फिर आपको बाइक में मिलता हूँ मैं सबसे पहले। तो यार, सुबह से तो मौसम ऐसे ही थोड़ी बंद बंद सा था और अब जाके थोड़ी खुला है, लेकिन सही है, ना ज़्यादा धूप है अभी, बट ये कि थोड़ी साफ़ तो लग रहा है मौसम। बाकी यार, जो हमारी लास्ट वीडियो थी इंडिपेंडेंस डे राइड की, तो काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सभी का। तो बस यार, होप करते हैं कि इस वीडियो में भी खूब सारा प्यार बरसाना अपना, और कोशिश करेंगे कि यार अब थोड़ी रेगुलर रहें और मतलब ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ कोशिश करेंगे डालने की, कि ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और तो हाँ, आप करते हैं उसको भी यूज़। तो बस यार, अब चलते हैं फटाफट ऊपर। तो यार, जो काम हमें करवाना है वो तो यहाँ टीरी में होना था, इसलिए हम ऊपर टीरी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक मटरू भाई की शॉप है, काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं ऐसे। तो भाई जी, हम पहुँच चुके हैं। अरे अक्षांश, तू क्या कर रहे हैं? बस तेरा यार, तूने तो कहा यार कॉल करके कि आजा। हेलो बोलो। हेलो इस तो मुझे कॉल करके बुलाया। अच्छा, ये भी पहुँच रहा का? कैसा आ गया मेरे को? ए देख, ये लाया इसलिए पता चल चुका है क्या? कल मेरा टायर ऐसे 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 हो रहा था पूरा। अच्छा, कैसे कैसे हो रहा था? अच्छा ठीक है। तो यार, हम ये पहुंच चुके हैं शॉप में, अब करवाते हैं इसका काम शुरू। तो ये शॉप है मनीष मटरू भाई, मनीष हम बोले मटरू भाई क्या। तो यार, बस अब बाइक को ऊपर चढ़ाते हैं पहले यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, मेरी तो बस की है नहीं चढ़ाने की यहाँ पे। मटरू भाई ने चढ़ा दी बढ़िया करके। अब तो मैं चढ़ाऊंगा, मैं सीधा अगला पहिया उठाते वाला हूँ ना। अच्छा ठीक है। तो जुगाड़ से इसका डबल स्टैंड बना दिया बढ़िया का। ये थोड़ी बढ़िया लग गया, ये खुल चुका है गाइस। हमारा सक्सेस सक्सेस क्या मटरू भाई है? एक्सल ना, ना कुछ और कह रहे थे आप? अच्छा, सेक्शन उल्टा बोलते हैं ना तुम लोग। सेक्सल ब्रेक दबा रहे हैं आप, ब्रेक दबा रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो बस यार, इसका अभी फिलहाल टायर निकाल दिया है और अब कहते हैं इसमें जो मेन काम है उसे शुरू। मगर ये बड़ी हो चुकी है। तो यार, अभी पहले मार्कर से इस पर सेट कर रहे हैं, हल्के छेद करने पड़ेंगे इसके रिम पे, और उसके बाद ये जाके अटकेगी। फिलहाल तो हमने सोचा है कि इसको सिर्फ टेम्प्रेरी ऐसे अटकाएंगे, वर्किंग का बाद में सोचेंगे। कभी वर्किंग करवानी होगी तो फिर इसमें अलग तरीके से काम करवाना पड़ेगा। ये छेद हो चुका है फाइनली, और अब इसके स्क्रू वगैरह लगा देंगे और करते हैं इसको सही। मैं आपको छेद दिखाता हूँ हमने कहाँ कहाँ पे करवा रखे हैं। अभी एक ये और यहाँ पे, आप ये बता दो मुझे बस, यहाँ पे तीन छेद करें और एक इस साइड से कहीं करते हैं ताकि ढंग से अटक जाए। तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे का। तो बस यार, इसे भी हमने पूरा फिट कर ही दिया है। तो ये इसके स्क्रू है, इस पर हल्की हमने वेल्डिंग कर दी ताकि बिल्कुल ना किसके बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो मटरू भैया, आज तो भयंकर काम हो गया। हाँ यार, ठीक। तो अब यार, इसकी फिटिंग करवाते हैं फटाफट और देखते हैं कि ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है। तो यार, लगभग पूरा ही दिन घुस चुका है इसमें। तो छेद करने के बाद थोड़ी सी स्क्रू में डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो
उसी का जरा जुगाड़ वगैरह किया और अब बढ़िया से हो चुका है फिक्स। थोड़ी फिक्स नहीं हो रही थी, प्लेट हल्की बाहर आ रही थी। मटरू भैया ने कर ही दिया वो। मटरू भैया तो सब कुछ पॉसिबल है, क्यों मटरू भैया? तो बस अब यार अब इसकी फिटिंग चल रही है, मैं एक्साइटेड हूँ कि यार कैसी पूरा ओवरऑल कैसा लुक देगा इसमें। Two hours later. हमारा KTM का शोरूम है। ऐसे गाड़ी नीचे कर रही है। गाइस आ रही है। तो यार ये है इसका फाइनल लुक और सामने पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है डबल डिस्क का और काफ़ी सही सा लुक दे रही है ये कराने के बाद एकदम ये और परफेक्टली फिट हो चुका है बढ़िया सा। और अभी मैंने इसको नॉन वर्किंग ही रखा है क्योंकि इसमें ABS है नहीं और अगर इसमें डबल डिस्क रहेगा तो चांसेस हैं कि पलट सकती है अगर कभी अचानक कभी पैनिक ब्रेकिंग हो गई या ज़ोर से कभी इसके डिस्क प्लेट दबा दी हमने सॉरी कभी डिस्क मार दी हमने इसके ज़ोर से तो ये पलट सकती है। तो आप भी बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है। तो बस ये इसका लुक है ओवरऑल। तो बस यार ये काम तो हो चुका है और अब चलते हैं और थोड़ी देखते हैं यार कि इस डिस्प्ले से कहीं कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है इसकी मतलब अलाइनमेंट वगैरह या कुछ इसकी ड्राइविंग पे असर ना राइडिंग पे असर नहीं आना चाहिए। तो यार अभी तो ठीक ही लग रही है, अभी तक तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग नहीं रही है इसकी हैंडलिंग में। बाकी एक बार इसको डाउन में ला के देखते हैं कि कहीं न्यूट्रल में तो फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो यार ये तो ठीक है इसका, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है इसमें। तो चलो शुक्र है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, तो होप करते हैं आगे भी अच्छे ही रहे प्लेट खिसके विसके ना। वैसे तो खैर हमने बढ़िया से इसका जुगाड़ करा दिया था। तो यार बस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और जो तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।